फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। आज हम अपने जो है कॉलेज आए हुए हैं जो कि यहाँ पे अभियंत्रिक एवं प्रौद्योगिक संकाय हमारे गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार का है। चलिए आज जो है हम अपने कॉलेज का जो है पूरा कैंपस टूर देने वाले हैं और साथ में जो है पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे कॉलेज के जस्ट सामने में हाईवे है जहाँ पे शनि मंदिर है कुछ दूरी पे। यहाँ पे आने के बाद जो है सीधा आप हमारे जो है कॉलेज में इंटर करेंगे। We'll be right back.
गाइज अगर ओवरऑल हमारा कॉलेज की बात करें तो इसमें जो है कोर्सेज होता है जो कि सबसे पहले बीटेक होता है और बीटेक में जो है ब्रांचेज होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है और साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होता है। और अगर आपको डिप्लोमा करना है यहाँ से तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, तो आप यहाँ आके ये भी कर सकते हैं। आप जो है जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं जिसमें कि जोसा का काउंसलिंग होता है, सीएसएबी का काउंसलिंग होता है और साथ में अगर सीट्स वैकेंट रह जाते हैं तो उस सीट्स पे जो है यहाँ पे कॉलेज खुद का काउंसलिंग करवाता है, तो उसके थ्रू भी आप जो है यहाँ पे बीटेक का एडमिशन जो है ले सकते हैं और डिप्लोमा का भी ले सकते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे जो है अगर सीट्स बच जाते हैं बाद में तो वो आपको डायरेक्ट एडमिशन पर भी मिल जाता है, तो ये है एडमिशन का प्रोसेस। और अगर प्लेसमेंट की बात करें ओवरऑल तो प्लेसमेंट जो है अच्छा है, इतना ज़्यादा जो बेस्ट नहीं है लेकिन जो है अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा कॉलेज है। अगर पढ़ाई के पर्पस से आते हो तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते रहता है। इधर देखिए कुछ बच्चे जो अभी खेल भी रहे हैं, इधर आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट, अच्छा ग्राउंड भी है। तो ओवरऑल हमारा कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। हमारे कुछ दोस्तों जो हैं पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो कॉलेज का हम अपना जो है रिव्यू लेते हैं इन लोगों से। तो भाई तुम्हारा नाम क्या हुआ? शिवम चौहान। किस डिपार्टमेंट से हो? कंप्यूटर साइंस। कौन सी ईयर? सेकेंड ईयर। अच्छा कॉलेज कैसा लगा? अभी दो साल बीत गया है। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है और फैकल्टी भी सब एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, अच्छे से पढ़ाते हैं सभी। और हमारी जो लैब है वो उसमें भी डेली हमें लैब में मूवमेंट होती है हमारी, इंटरनेट एक्सेस अच्छा है। लाइब्रेरी कैसा लगा? लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छा है, वैसे मैं कम आता हूँ लाइब्रेरी में लेकिन लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा है, मुझे सारी बुक्स मिलती है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और तुम्हारा नाम क्या हुआ? दिग्विजय। कौन से डिपार्टमेंट से हो? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और कैसा लगा हमारा कॉलेज? कॉलेज इज गुड एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलेज आई थिंक इज़ अ लाइब्रेरी। सो हमारी यूनिवर्सिटी में दो लाइब्रेरी है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी जिसमें कि 3 लाख से ज़्यादा बुक्स है और यह स्पेशलाइज्ड फॉर इंजीनियरिंग, और इसमें हमें इंजीनियरिंग के अलावा भी काफ़ी बुक्स मिल जाती है। जैसे कि अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, वो मतलब ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो कि आपको इंजीनियरिंग के अलावा आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए भी मिल जाती है। अच्छा, और ओवरऑल हमारा कॉलेज कैसा लगा? ओवरऑल मस्त लगा। और तुम्हारा नाम क्या हुआ? सम्राट प्रजापति, सेकंड ईयर। क्या पढ़ रहे हो? स्पोर्ट्स का बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में बहुत सारे नॉलेज हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। अच्छा, और ये बताओ हमारा कॉलेज कैसा लगा तुमको? कॉलेज तो अच्छा है। कितना टाइम हुआ कॉलेज में आए हुए? हमको हो गया 1 साल से ज़्यादा हो गया, सेकंड ईयर में। कैसा लगा, 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करो? यहाँ के एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और लाइब्रेरी भी अच्छी खासी है और लैब भी तो रेगुलर चलता रहता है अपना। अच्छा, और यहाँ पे भाई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो? मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ अभी, फोर ईयर ट्रांसफॉर्म। हाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या हुआ? मैं सुरेश कुमार, मेरा नाम है। अच्छा, कौन सी ईयर में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। अच्छा। अभी सेकंड सेमेस्टर में अभी शुरू हुआ। अच्छा, कौन से ब्रांच से हो? मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ। अच्छा, अभी कितना टाइम हुआ तुम लोग को आए हुए? लगभग 6 महीना हो गए। कैसा लगा, फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया तुम्हारा, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है? अच्छा लगा, हमारा कॉलेज चूँकि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बीच में है तो हम लोग घूमते भी रहते हैं, तो ओवरऑल हमारा कॉलेज ठीक ठाक है। लाइब्रेरी कैसा लगा? लाइब्रेरी तो बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, हमारे कोर्स से रिलेटेड भी बहुत सारी किताबें हैं और भी हैं। और फैकल्टीज़ के बारे में कुछ बता, कैसे हैं सर लोग? सर लोग तो अच्छे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब हम पूछते हैं तो हमारे क्वेश्चन को आंसर करते हैं हमेशा। और यहाँ पे 2-3 और है तो तुम लोग बताओ, तुम लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने के बाद? ठीक है, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। तुम बताओ कॉलेज के बारे में कुछ। कॉलेज तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, दोनों बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। अच्छा, कितना टाइम हुआ ये बताओ? यहाँ पे अभी मेरे को 4th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। अच्छा, तो यहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी है, कॉलेज यहाँ मतलब टीचर अदर कॉलेज से टीचर बहुत अच्छे हैं कि एक एक बच्चे पे टीचर ध्यान देते हैं। और फैसिलिटी कैसी लगी? फैसिलिटी बहुत बढ़िया है यहाँ की। अच्छा, लाइब्रेरी आते हो हमेशा? हाँ, टाइम मिलने पर आ जाते हैं। कैसा लाइब्रेरी कैसा लगा? लाइब्रेरी अच्छी है, मतलब कि फैसिलिटी अच्छी है, बुक्स हैं, अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा भी बुक्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं समथिंग यूपीएससी के बारे में यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, इंडिया एंड वर्ल्ड्स एंड टूवर्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। अच्छा, अच्छी। और अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे जो अभी कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहा है न्यूली? डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, मतलब हर चीज़ फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है हमारा, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी तो बहुत ही शानदार है। तो ओवरऑल अगर हम आप लोगों को सजेस्ट करें तो ये कॉलेज ज़रूर आएँ। और चलिए मिलते हैं इसी तरह के और भी बेहतरीन ब्लॉग के साथ। और हमारा कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ज़रूर आएँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।